गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गोवा में सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर बनाने और चिपकाने का आरोप लगा है। गोवा पुलिस के समन के मुताबिक 27 अप्रैल को केजरीवाल को गोवा पुलिस के सामने पेश होना है। केजरीवाल को पेरनेम पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। अब गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर गोवा सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के दौरान इस अधिनियम का उल्लंघन किया। अब यही कारण है कि गोवा पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। केजरीवाल को 27 अप्रैल को पेरनेम पुलिस के सामने पेश होना है। गोवा पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया, संपत्ति के विरूपण के एक मामले की जांच के दौरान ये पता चला है कि मौजूदा जांच के संबंध में आपसे तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए आपसे पूछताछ करने के उचित आधार हैं। हालांकि इस मामले में केजरीवाल की तरफ से अभी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसका नाम है पेरनेम। गोवा के स्थानीय के पुलिस निरीक्षक ने नोटिस जारी करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुला सकती है, अगर पुलिस को लगता है कि उसने अपराध किया है। इस मामले में केजरीवाल को लेकर जारी किए गए नोटिस में अरविंद केजरीवाल को गोवा जाना पड़ेगा। पेरनेम पुलिस ने जारी किए नोटिस में बताया कि उसके पास केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए पर्याप्त आधार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।